ना उबालना ना गैस जलाना, बिना झंझट के बहुत ही आसानी से आज हम बनाने वाले हेल्दी गुड़ से बनने वाले आंवला कैंडी। ये खाने में जितनी टेस्टी है सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आंवला कैंडी बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1 किलो आंवला। इसे धो के अच्छे से सुखा लेना है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अब इस आंवले को हम एक एयरटाइट कंटेनर में 2 दिन के लिए फ्रीजर में रखेंगे। तो अच्छे से ढक्कन से ढक लें और इसे फ्रीजर में रखें। 2 दिन हो चुके हैं, अब इसे हमने फ्रीजर से निकाल लिया है और ये देखिए, ये जो आंवला है वो एकदम आइस बन चुका है, यानी घट्ट बर्फ बन चुका है। अब हम इसे बाहर ही नॉर्मल होने देंगे, तो रूम टेम्परेचर पे हमें इसे नॉर्मल रखना है। तो 5 से 6 घंटे के बाद ये जो आंवले हैं वो एकदम नॉर्मल हो चुके हैं और ये काफी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसे हल्के से हाथ की मदद से ही निकाल लें, यानी कि इसके जो लाइंस रहते हैं आंवले के वो देखते हुए इजीली इसके पीसेस कर लेंगे। ये आप देख ही सकते हैं, ये जो आंवले के पीसेस है वो बहुत ही आसानी से होते हैं, लेकिन करते समय ये हल्का सा ध्यान दें क्योंकि इसका जो जूस है वो भी बहुत ही जल्दी निकल आता है, क्योंकि आंवले जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ध्यान से इसके हल्के हल्के हाथ से ही पीसेस करें और ये बहुत ही आसानी से होते हैं। तो ये सारे पीसेस करके रेडी हो चुके हैं। ये देखिए आंवले कुछ इस तरह से दिखते हैं और इसका जो पानी है वो भी नीचे हल्का सा निकल चुका है, लेकिन ये पानी हम अलग नहीं करेंगे, इसको इसी में रखेंगे। अब इस आंवले को हम एक स्टील के बर्तन में निकाल लेंगे। इसका पानी भी मैंने इसी के साथ रखा है। अब 1 किलो आंवले के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1 किलो गुड़। शक्कर से गुड़ जो है वो बहुत ही मीठा रहता है, तो हमने यहाँ पे 1 किलो आंवले के लिए 1 किलो गुड़ लिया है। अब ये सारे चीजों को अच्छे से मिक्स करना है, क्योंकि आंवले में हल्का सा पानी है आंवले का ही, इसलिए जो गुड़ है वो बहुत ही आसानी से मिक्स हो जाता है। हो सके तो पाउडर गुड़ यूज करें, क्योंकि पाउडर गुड़ जो है वो चिकनाहट कम रहती है उसमें, इससे जो आंवले है वो बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरह से आंवले को अच्छे से मिला लेना है। अब हम इसे ढक के 3 दिन के लिए इसी तरह से रखेंगे। तो आज का ये हमारा पहला दिन है और ये आप देख ही सकते हैं, कल से जो आंवले हैं वो इसमें हल्का सा पानी हो चुका है गुड़ का और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। दिन में कम से कम 1 से 2 बार इसे मिलाना है, नहीं तो आंवले में फंगस आ सकता है। और इस तरह से आंवले मिलाने से वो ऊपर नीचे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। दूसरे दिन भी आप देख सकते हैं आंवले का जो कलर है वो धीरे धीरे डार्क होते जा रहा है, यानी जो गुड़ है वो आंवले में अच्छा मिक्स होते जा रहा है। मैं आपको एक एक दिन का स्टेप बाय स्टेप दिखा रही हूँ ताकि पता चले कि आंवले किस तरह से दिखते हैं 3 दिन में। और ये हमारा आज का तीसरा दिन, यानी आज कंप्लीट 3 दिन हो चुके हैं और ये जो आंवले का कलर है वो काफी डार्क हो चुका है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। अब एक छन्नी में हम आंवले को और पानी को अलग करेंगे, तो हल्की सी एक बड़ी छन्नी लेना है और इसमें सारे आंवले को डाल देंगे। इससे जो गुड़ का जो जूस है वो पूरा अलग निकल आएगा। इसे हम इसी तरह से 15 से 20 मिनट के लिए रखना है। 20 मिनट बाद आंवले जो है वो हल्के से ड्राई हो चुके हैं, ये देखिए। अब इस आंवले को हमें धूप में सुखाना है, तो मैंने यहाँ पे जो फंक्शन में हम यूज करते हैं अट्टे के प्लेट वो ली है। तो इसे 2 हिस्सों में इस तरह से अलग अलग हम सुखाएंगे, यानी कि जो आंवले हैं वो जल्दी सूख जाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 प्लेट यूज करे हैं। इससे जो आंवले हैं वो जल्दी सूख जाते हैं और इसमें धब्बे नहीं लगते, यानी कि स्टील के प्लेट में जो है वो धब्बे लग जाते हैं। तो हम इसे धूप में सुखाएंगे और जो ये बचा हुआ जूस है इसे बिल्कुल भी नहीं फेंके, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी है। इसे आप पानी डाल के जूस की तरह पी सकते हैं। इसे एक बॉटल में भर के फ्रिज में रख दें और ये आराम से 2 से 3 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता। तो आंवले सूखने के लिए मुझे यहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन लगे हैं, यानी कि धूप अगर ज्यादा अच्छी हो तो 2 दिन में ही आंवले सूख जाते हैं। इसे हमें ज्यादा नहीं सुखाना है, बस हाथ को चिपके नहीं, इतना ही हल्का सा सुखाएं।
अगर ज़्यादा सुखाएंगे तो आंवले जो है वो थोड़े से कड़क हो जाते हैं। तो इसी तरह से आंवले मैंने कम से कम 2 से 3 दिन तक सुखा लिए हैं अच्छे से। अब हम इसे एयरटाइट कंटेनर में रख के साल भर तक के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।